नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जो हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करा रहे हैं उसमें आज हम लोग जो करेंगे दैट इज़ थर्ड वीक ऑफ मे, और अभी भी और दो हम लोग जो है वीडियो दे देंगे तो आपको जो है अप टू डेट मिल जाएगा। उसके बाद से रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे वीकली हर संडे को, मंडे टू सैटरडे जो भी होगा मैं आपको संडे को जो है रेगुलर बेसिस में इसका बना के दे दूँगा, ठीक है। तो देखो, पहला जो है क्वेश्चन जो आ रहा है वो है इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन कौन है, दैट इज़ गुवाहाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ है 2018 में उसमें इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, तो दैट इज़ इंदौर है, ठीक है। इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन अ फर्स्ट थ्री डे इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट साउथ एशियन टू बी इलेक्टेड इन ऑर्गन, ठीक है, ये कौन है फर्स्ट साउथ एशियन, दैट इज़ बी सुशीला जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसको अपॉइंट किया गया है रेगुलर चेयरमैन ऑफ ललित कला एकेडमी में, ठीक है, तो आपको आंसर है राइट उत्तम पर्चनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुरेश प्रभु लॉन्च इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैस्कॉट, क्या है वो मैस्कॉट, ठीक है, तो मैस्कॉट जो है आईपी नानी NANI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज टू गेट US सेक्रेटरी DOSM रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है, वो कौन सा है, BSE, DNSE या NSE, तो दैट इज़ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट पैरा नेशनल गेम्स जो हेल्ड जो होगा अंडर खेलो इंडिया स्कीम के तहत वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन दिया है लॉन्गेस्ट, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल टनल कहाँ पे ये बनेगा, ये बनेगा JNK जम्मू एंड कश्मीर में। कौन बन चुके हैं यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तो राइट आंसर इज शिवांगी पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच वर्ड फाइंड्स अ प्लेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, तो कौन सा वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में जगह प्लेस ले चुका है, योगा, आयुष या रागा, तो दैट इज़ आयुष। नेक्स्ट 12th में चलते हैं, इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्ट करेगी कितने ग्रोथ 2019 में एज़ पर UN रिपोर्ट के तहत, तो दैट इज़ बी 7.6% जो है एज़ पर UN रिपोर्ट है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट विन चैरिटी अवार्ड इन UK, ठीक है, इंडिया ने कौन जो है चैरिटी अवार्ड जीता है UK में, दैट इज़ जागृति यात्रा, ठीक है। नेक्स्ट, हु बैक्स SNP प्लैट्स ग्लोबल मेटल्स अवार्ड 2018, नालको, NMDC या हिंडालको, तो राइट आंसर इज़ NMDC को मिला है ये। फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, दैट इज़ गीना हासपल, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया सक्सेसफुली ने टेस्ट फायर किया कौन सा मिसाइल अलोंग उड़ीसा कोस्ट, दैट इज़ नाग, ब्रह्मोस या अग्नि, तो ये जो मिसाइल है दैट इज़ ब्रह्मोस मिसाइल है। और कौन बिल्ड करेगी इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस एयरक्राफ्ट, कर्नाटका, तेलंगाना या तमिलनाडु, तो राइट आंसर इज सी, तमिलनाडु। वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो ये जो है दैट इज़ इन रशिया में। इंडिया कौन सा वेल्थीस्ट कंट्री विथ टोटल वेल्थ ऑफ 823 बिलियन USD, कौन सा है, रैंक 6, 7, 8 या नन, तो इंडिया का रैंकिंग जो है अभी 6th है। हु ओन यूरोपियन गोल्डन शू फॉर द 5th टाइम, लगातार 5वें टाइम को मिला है उनको, तो ये कौन है, तो दैट इज़ लियोनल मेसी, मेसी को मिला है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन, हु ओन TK रामानाथन अवार्ड फॉर 17-18, तो वो जो है दैट इज़ प्रजनेश गुणेश्वरम। नेम ऑफ द जापानीज डायरेक्टर जिसने केन्स टॉप अवार्ड मिला है उनको, दैट इज सी, हिरोकाजू कोरियोदा, ठीक है। वेनेजुएला न्यू प्रेसिडेंट कौन है, तो वेनेजुएला न्यू प्रेसिडेंट जो है दैट इज मादुरो। किसने जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2018 जीता है, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, तो दैट इज साउथ कोरिया ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2018 जो है जीत लिया गया है उनसे। 71st वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड कहाँ पे हुआ है, 71st वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे ये कंक्लूड हुआ है, दैट इज़ इन जेनीवा में ये कंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
NYSE names किसको जो है फर्स्ट वुमेन चीफ इन एक्सचेंज 226 इयर्स के हिस्ट्री में फर्स्ट वुमेन चीफ बने हैं, क्या नाम है उनका, दैट इज स्टेसी कुनिंगम। 27 देख लेते हैं, इंडिया अचीव करेगी कितनी ग्रोथ रेट बाय 2022 एज पर नीति आयोग, तो आंसर इज सी 9%। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, किसने फॉर्मूला जूनियर रेसिंग सीरीज 2018 चैंपियनशिप जीता है, तो राइट आंसर इज बाला प्रसाद। किसने जो है इटालियन ओपन जीता है, तो वो आपको बताना है इटालियन ओपन किसने जीता है, तो दैट इज राफेल नादल। पीएम मोदी जी विजिट करेंगे इनफॉर्मल समिट कौन से कंट्री का, तो ये है जो है रशिया का फॉर्मल इनफॉर्मल समिट हो चुका है, ऑलरेडी विजिट किए थे पीएम मोदी जी ने, ये इनफॉर्मल मीटिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट इजेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट पब्लिश्ड किया गया किसके तरफ से, तो ये जो है हु के तरफ से, ये लिस्ट जो है हु की तरफ से जो है लिस्ट पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया कौन सा लार्जेस्ट सोलर मार्केट है वर्ल्ड पे एज पर मरकॉम रिपोर्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ या नन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड लार्जेस्ट सोलर मार्केट है इंडिया वर्ल्ड में। अच्छा, कौन जो है अभी न्यू ICC चेयरमैन है, तो दैट इज राइट आंसर इज शशांक मनोहर। फर्स्टेस्ट ग्रोइंग कौन सा है ऑफ यूनिवर्स जो डिस्कवर अभी जस्ट रिसेंटली किया गया, ब्लैक होल प्लैनेट स्टार, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल ऑफ यूनिवर्स जो है डिस्कवर किया गया है। हु हैज बीन नेम्ड एज अ फ्रांस प्लेयर ऑफ द ईयर, किसको फ्रांस प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया है, दैट इज बी नेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हु विल बी ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ एनुअल रेड इंक अवार्ड्स इन मुंबई, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द एनुअल रेड इंक अवार्ड इन मुंबई किसको ऑनर किया गया है, दैट इज सी मार्क टली। ठीक है, हु वॉज ऑनर्ड विद द जयदेव राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अवार्ड, तो ये किसको मिला है जयदेव राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अवार्ड, ये मिला है अनिंदिता को। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हिच कंट्री ओन अंडर 16 फोर्ड नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट इन सर्बिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो है इंडिया ने जीत लिया है। हु बैग्स गोल्ड इन इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन ऑफ हैनोवर, तो ये जो जीता है दैट इज आपका राइट आंसर हीना सिद्धू। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो स्पेनिश जो है जीता गया है दैट इज़ लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो गाइज ये 40 क्वेश्चंस था, ये ज़रूर आप मुझे कितना स्कोर हो रहा है डेफिनेटली बताइएगा, और क्विज ऑफ द डे भी हम लोग आज पूछेंगे, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। विजय प्रहार एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी कंक्लूड हुआ है कहाँ पे, राजस्थान गुजरात आसाम, इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड।